गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। हिंदी में आज हम आ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 26, अभ्यास एक। आ वर्ण पर गोला लगाए। यहां चित्र दिए गए हैं। चित्र के नीचे चित्र का नाम है। चित्र के नाम में से जो आ वर्ण है, तो आ वर्ण पर हमें गोला लगाना है। आ की मात्रा लगी है वो नहीं, पर आ वर्ण पर हमें गोला लगाना है। तो ये आकाश का चित्र है। यहां पर लिखा है आ का स, तो यहां पर ये जो आ वर्ण है वो है ये। तो यहां पर हम गोला करेंगे। ये है आसन, आ स न। तो ये आवरण पर गोला बनाना है। फिर ये है आईना, आ ई ना। ये है आ। आटा, आ टा। यहां पर ये आ है, तो हम आवरण पर गोला बनाएंगे। ऐसे आपको आ की पहचान करके आवरण पर गोला बनाना है। नंबर 2, आ की मात्रा पर गोला लगाएं। यहां पर चित्र दिए गए हैं। चित्र के बाजू में चित्र के नाम है। चित्र के नाम में से जिसमें आ की मात्रा लगी है वहां पर हमें गोला लगाना है। ये है का र। तो यहां पर आ की मात्रा ये है, तो हम आ की मात्रा पर गोला लगाएंगे। फिर है ज र ना। यहां पर ये आ की मात्रा है। ट मा ट र, यहां पर ये आ की मात्रा है। ग डा, तो ये आ की मात्रा पर हम गोला लगाएंगे। नंबर 3, आ के स्थान पर आ की मात्रा लगाकर शब्द लिखे। यहां पर चित्र के साथ चित्र का नाम भी दिया है, तो यहां जो ये आ की मात्रा है वहां पर हमें आ की मात्रा लगानी है और नीचे चित्र का नाम लिखना है। तो ये पहला अक्षर है ख, तो हम यहां पर लिखेंगे ख। फिर है आ, तो हमें यहां पर आ नहीं लिखना है, आ की मात्रा लगानी है, तो हम यहां पर लगाएंगे आ की मात्रा, तो बन जाएगा खा। फिर है ट, तो हम यहां लिखेंगे ट। शब्द क्या बन गया? खा ट खाट। अब ये है म, हम यहां पर लिखेंगे म। फिर आ, तो हम यहां पर लगाएंगे आ की मात्रा, क्या बन जाएगा? मा। फिर है ल, तो हम यहां पर लिखेंगे ल। आ, तो हम यहां पर लगाएंगे आ की मात्रा, शब्द बना मा ला माला। अब ये है ग, तो हमें यहां पर लिखना है ग। आ, तो यहां पर लगाएंगे आ की मात्रा। फिर है स, तो हम यहां पर लिखेंगे स, शब्द बनेगा गा स गास। अब यहां पर ये है श, हम यहां पर लिखेंगे श। फिर है ल, हम लिखेंगे ल। आ, तो यहां पर लगाएंगे हम आ की मात्रा। फिर है द, शब्द बन गया श ला ड सलाड।
इस तरह आपको आ के स्थान पर आ की मात्रा लगाकर शब्द लिखना है। नंबर 4, सही स्थान पर आ की मात्रा लगाइए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, चित्र के बाजू में चित्र के नाम है, पर चित्र के नाम में मात्रा नहीं लगाई गई है, तो हमें सही स्थान पर आ की मात्रा लगानी है। ये है तलवार का चित्र, यहाँ पर लिखा है त ल व र, तो कैसे होगा त ल वा, तो हमें यहाँ पर लगानी है आ की मात्रा, तो बन जाएगा वा र। अब सही शब्द बना त ल वा र, तलवार। अब यह है बादल का चित्र, यहाँ पर लिखा है ब द ल, तो हम कैसे बोलते हैं बा, तो यहाँ पर हम ब में आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा बा द ल। अब बना बा द ल, बादल। ये है पर्दा। अब यहां पर लिखा है प र द, तो हम कैसे बोलते हैं प र दा, तो हमें आ की मात्रा द में लगानी है, शब्द बनेगा प र दा, पर्दा। अब ये है उपहार, और यहां पर लिखा है उ प ह र, तो हमें ह में आ की मात्रा लगानी है, हम यहां पर लगाएंगे आ की मात्रा, तो हा बनेगा, शब्द बनेगा उ प हा र, उपहार। इस तरह आपको सही स्थान पर आ की मात्रा लगानी है। नंबर 5, जोड़कर लिखे। यहां पर अक्षर और मात्रा अलग अलग दी गई है, अक्षर और मात्रा को जोड़कर हमें यहां शब्द बनाकर लिखना है। पहला अक्षर ग प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस र, पहले यहां पर ग है तो हम यहां पर लिखेंगे ग, फिर है आ की मात्रा, तो यहां पर हमें लगानी है आ की मात्रा, बन जाएगा गा। अब है ज, तो हमें यहां पर लिखना है ज, ज के बाद है र, तो यहां लिखेंगे र, शब्द बनेगा गा ज र, गाजर। अब है ब प्लस र प्लस स प्लस आ की मात्रा प्लस त, पहले क्या है ब, तो हम यहां पर लिखेंगे ब। अब है र, यहां पर लिखेंगे हम र, फिर है स, यहां पर लिखेंगे स, आ की मात्रा, फिर है त, तो हम यहां पर लिखेंगे त, ब र सा त, बरसात। अब है प प्लस आ की मात्रा प्लस ठ प्लस स प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, यहां पहले है प, तो हम लिखेंगे प, फिर है आ की मात्रा, हम लिखेंगे आ की मात्रा, तो बन जाएगा पा, फिर है ठ, तो हम यहां पर लिखेंगे ठ, स आ की मात्रा, फिर है ल, अब है आ की मात्रा, यहां पर लगाएंगे हम आ की मात्रा, पा ठ सा ला, पाठशाला। गाजर, बरसात, पाठशाला। इस तरह आपको शब्द बनाकर लिखना है। नंबर 6, चित्र देखकर नाम लिखे। यहां पर चित्र दिए गए हैं, चित्र की पहचान करके चित्र का नाम लिखना है। ये है ताला,
तो हमें यहां पर लिखना है ताला, ताला। अब ये है गमला, तो यहां पर लिखना है ग म ला, गमला। ये है छाता, तो यहां पर लिखना है छा ता, छाता। और ये है जहाज, तो यहां पर लिखना है ज हा ज, जहाज। ताला, गमला, छाता, जहाज। तो ऐसे आपको चित्र की पहचान करके चित्र का नाम लिखना है। होमवर्क में आपको ये कविता लिखनी है, बादल आया। थैंक यू।